नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने की जन सुनवाई। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। पदमपुर डीएम सौरभ स्वामी पदमपुर दौरे पर, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक, मौके पर की पंचायत भवन में जन सुनवाई। केंद्र में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मीडिया ने डीएम को शहर की प्रमुख समस्याओं से करवाया अवगत। एसडीएम पवन सुथार, तहसीलदार महेंद्र सिंह रतनू, बीसीएम मुकेश मित्तल सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। अनूपगढ़ ज्योति के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, गणेश तनेजा, पदमपुर। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेस है, बढ़िया प्रोग्रेस है। कुछ चीज़ों में जहाँ पे कमी है, चाहे वो नरेगा के अंदर जो थोड़ी बहुत कमी है इंडिविजुअल वर्क्स के अंदर लेके है, या फिर स्कूलों के अंदर या आंगनबाड़ी के अंदर, या फिर बाकी जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस में, और उन सब के बारे में बात की गई। और उन सब में जो निर्देश हैं वो दिए गए कि जल्द से जल्द जो है उनमें प्रोग्रेस लाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काम और अच्छे से करवाया जाए। सर, एक निवेदन था कि जो राजकीय चिकित्सालय है वहाँ पे अक्सर मरीज को रेफर कहाँ कर दिया जाता है। किसी के सिर में दर्द होता तो गंगा नहर डॉक्टर रेफर कर देते हैं और डॉक्टर अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, इसलिए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपके द्वारा अगर ये बात बताई गई है यहाँ पे इस तरह से जो हमारे पैरामीटर्स देखे गए, चाहे वो MNDY के MNJY में है, उसके अंदर पदमपुर के जो पैरामीटर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, किंतु अगर कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर डॉक्टर की शिकायत है तो हमारे पास आती है तो उस पर कार्रवाई की। सर, दूसरा नंबर जल्द आय विभाग है, उसकी हालत काफ़ी दयनीय है। वहाँ पे सर सफाई कोई कुछ भी नहीं है और दूषित पानी जो है वो सप्लाई अक्सर होता है। तो उपभोक्ताओं की ज़्यादातर शिकायत यही रहती है कि वहाँ पे जल्द आय विभाग में कोई सफाई वगैरह वगैरह नहीं होती प्रॉपर तरीके से। नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो उसके जो है निर्देश वो दे दिए जाएंगे, है ना, उसमें करवा दिए जाएंगे। हालांकि जो मैंने देखा है उसके अंदर तो ऐसी कोई समस्या अभी तक तो मेरे समक्ष ना तो गंगानगर में आई है ना ही यहाँ पे आई है। आप बता रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान दें। बिल्कुल सर, हम तो ये कहते हैं सर आप एक उच्च निरीक्षण किसी अधिकारी का करवाएं, आपको स्थिति क्लियर हो। दूसरा नंबर सर, यहाँ ट्रैफिक उस चीज़ के निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ पे जितने भी हमारी SSF हैं, जितने भी RDF बन रही हैं, जितने भी OHS आ रहे हैं, SLR हैं, उनके कब सफाई हुई, आखिरी डेट उनकी सफाई की क्या है, SSF आपके कितने चल रहे हैं, जो स्लो सैंड फिल्टर जिसे कहते हैं हम, ठीक है, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर RGF जो है, उन सब की जो सफाई की क्या पुरानी डेट्स क्या हैं, उनकी लिस्टिंग कराने के लिए SDM साहब को बोल दिया गया है। साथ ही जो है 70 योजनाएँ जो इनकी चल रही हैं जो जलदाय विभाग की, उनके अंदर जो है अतिरिक्त निरीक्षण किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, चाहे वो रेवेन्यू एजेंसी हो, चाहे वो और ग्राम पंचायत की एजेंसी हो, उसके थ्रू कराने के लिए बोला गया है, जिसमें ये पर्टिकुलर ये 3-4 चीज़ें कर दी जाएंगी ताकि अगर कहीं पर अगर ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट पानी पिलाया जा रहा है और सफाई नहीं हो रही तो उसमें फिर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, एक और निवेदन था कि नगर पालिका रोड में जो है अधिकतर ट्रैफिक व्यवस्था है जो बिगड़ी रहती है, बार बार जिला पुलिस अधीक्षक को भी कहा, यहाँ पुलिस थाने में मीटिंग होती है वहाँ पे भी ये आवाज़ उठाएगी, लेकिन समस्या ये होंगी त्यों पड़ी है, इतना खुला बाजार और वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था सर अक्सर बिगड़ी रहती है, जिसके कारण 108 को हॉस्पिटल में जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने SDM साहब को, आप अगर ऐसी चीज़ बता रहे हैं तो SDM साहब को निर्देशित कर देते हैं। आप जो है इनके अंदर, वैसे भी मेरे सामने अभी तक कोई मैटर नहीं आया, आप बता रहे हैं, तो ये जो शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो एक मीटिंग लेनी होती है जिसमें सारी पार्टियों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, चाहे वो ट्रेडर एसोसिएशन है, चाहे